हेलो दोस्तों, स्टोरी अनबॉक्सिंग पर आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आज ये महाभारत की कथा का 28वां सोपान है। तो और इंतजार ना करते हुए जगतगुरु वासुदेव श्री कृष्ण का नाम लेकर चलिए इस कालजयी कथा को अनबॉक्स करते हैं। वैश्वपान जी कहते हैं, जन्मेजय पांडव लोग ऐसा नियम बनाकर वहाँ रहने लगे। उन्होंने अपने शारीरिक बल और अस्त्र कौशल से एक एक करके राजाओं को वश में कर लिया। द्रौपदी सभी के अनुकूल रहती। पांडव उसे पाकर बहुत संतुष्ट और सुखी हुए। वे धर्मानुसार प्रजा का पालन करते थे। उनकी धार्मिकता के प्रभाव से कुरुवंशियों के दोष भी मिटने लगे। एक दिन की बात है, लुटेरों ने किसी ब्राह्मण की गाय लूट ली और उन्हें लेकर भागने लगे। ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया और वो इंद्रप्रस्थ में आकर पांडवों के सामने करुण क्रंदन करने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि पांडव, तुम्हारे राज्य में दुष्टात्मा और क्षुद्र लुटेरे मेरी गाय छीनकर बलपूर्वक ले जा रहे हैं। तुम दौड़कर इन्हें बचाओ। जो राजा प्रजा से कर लेकर भी उसकी रक्षा का प्रबंध नहीं करता, वो निसंदेह पापी है। मैं ब्राह्मण हूँ, गौ का छीन जाना मेरे धर्म का नाश है। तुम्हें उचित है कि इस समय तुम पूरी शक्ति से मेरी गौ की रक्षा करो। अर्जुन ने ब्राह्मण का करुण क्रंदन सुनकर उन्हें ढाड़स बंधाया। परंतु उनके सामने अड़चन ये थी कि जिस घर में राजा युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे हुए थे, उसी घर में उनके अस्त्र शस्त्र थे। नियमानुसार अर्जुन उस घर में नहीं जा सकते थे। एक ओर कौटुंबिक नियम, दूसरी ओर ब्राह्मण की करुण पुकार। अर्जुन बड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण का गोधन लौटाकर आंसू पोंछना मेरा निश्चित कर्तव्य है। यदि मैं इसकी उपेक्षा कर दूंगा तो राजा को अधर्म होगा, हम लोगों की निंदा होगी और पाप भी लगेगा। दूसरी ओर प्रतिज्ञा भंग करने से भी पाप लगेगा, वन में जाना पड़ेगा। अच्छी बात है, मैं ब्राह्मण की रक्षा करूंगा। कोई रुकावट हो तो रहे। नियम भंग के कारण कितना भी कठिन प्रायश्चित क्यों न करना पड़े, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाए, इस दीन ब्राह्मण के गोधन की रक्षा करना मेरा धर्म है और वो मेरे जीवन की रक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अर्जुन राजा युधिष्ठिर के घर में निसंकोच चले गए। राजा से अनुमति लेकर धनुष उठाया और आकर ब्राह्मण से बोले, ब्राह्मण देवता, जल्दी चलो, अभी भी दुष्ट अधिक दूर नहीं गए हैं, उनसे गोधन का उद्धार कर लाए। थोड़ी ही देर में अर्जुन ने बाणों की बौछार से लुटेरों को मारकर गाय ब्राह्मण को सौंप दी। नागरिकों ने अर्जुन की बड़ी प्रशंसा की, कुरुवंशियों ने अभिनंदन किया। अर्जुन ने युधिष्ठिर के पास जाकर कहा, भाई जी, मैंने आपके एकांत गृह में जाकर प्रतिज्ञा तोड़ी है, इसलिए मुझे 12 वर्ष तक वनवास करने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि हम लोगों में ऐसा नियम बन चुका है। यकायक अर्जुन के मुंह से ऐसी बात सुनकर युधिष्ठिर शोक में पड़ गए। उन्होंने व्याकुल होकर अर्जुन से कहा, भैया, यदि तुम मेरी बात मानते हो तो मैं जो कहता हूँ सुनो। यदि तुमने नियम भंग किया भी है तो उसे मैं क्षमा करता हूँ। मेरे अंतःकरण में उसे तनिक भी दुख नहीं हुआ। तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। बड़ा भाई स्त्री के साथ बैठा हो तो वहाँ छोटे भाई का जाना अपराध नहीं है। छोटा भाई स्त्री के साथ बैठा हो तो वहाँ बड़े भाई को नहीं जाना चाहिए। तुम वनवास का विचार छोड़ दो, न तो तुम्हारे धर्म का लोप हुआ है और न मेरा अपमान। अर्जुन ने कहा, आप ही कहते हैं कि धर्म पालन में बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं शस्त्र छूकर सच सच कहता हूँ कि अपनी सत्य प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। अर्जुन ने वनवास की दीक्षा ली और 12 वर्ष तक वनवास करने के लिए चल पड़े। अर्जुन के साथ बहुत से वेद वेदांग के मर्मज्ञ, अध्यात्म चिंतक, भगवत भक्त, त्यागी ब्राह्मण, कथावाचक, वानप्रस्थ और भिक्षा जीवी भी चले। स्थान स्थान पर कथाएं होती। उन्होंने सैकड़ों वन, सरोवर, नदी, पुण्य तीर्थ, देश एवं समुद्र के दर्शन किए। अंत में हरिद्वार पहुंचकर वे कुछ दिनों के लिए ठहर गए। ब्राह्मणों ने स्थान स्थान पर अग्निहोत्र की स्थापना कर ली। स्वाहा स्वाहा की गंभीर ध्वनि से सारा वन प्रांत गूंज उठा। एक दिन अर्जुन स्नान करने के लिए गंगा जी में उतरे। वे स्नान तर्पण करके हवन करने के लिए बाहर निकलने ही वाले थे कि नाग कन्या उलूपी ने तामसिक होकर उन्हें जल के भीतर खींच लिया और अपने भवन को ले गई। अर्जुन ने देखा कि वहाँ यज्ञ अग्नि प्रज्वलित हो रही है। उन्होंने उसमें हवन किया और अग्नि देव को प्रसन्न करके नाग कन्या उलूपी से पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो?
तुम ऐसा साहस करके मुझे किस देश में ले आई हो? ओलोपी ने कहा, मैं ऐरावत वंश के कौरव्य नाग की कन्या ओलोपी हूँ। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आपके अतिरिक्त मेरी दूसरी गति नहीं है। आप मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए, मुझे स्वीकार कीजिए। अर्जुन ने कहा, देवी मैंने धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से 12 वर्ष के ब्रह्मचर्य का नियम ले रखा है। मैं स्वाधीन नहीं हूँ, मैं तुम्हें प्रसन्न करना चाहता तो हूँ, परंतु मैंने अब तक कभी किसी प्रकार असत्य भाषण नहीं किया है। मुझे झूठ का पाप न लगे, मेरे धर्म का लोप न हो, ऐसा ही काम तुम्हें करना चाहिए। ओलोपी ने कहा, आप लोगों ने द्रौपदी के लिए जो मर्यादा बनाई थी उसे मैं जानती हूँ, परंतु वो नियम द्रौपदी के साथ धर्म पालन करने के लिए ही है। इस लोक में मेरे साथ उस धर्म का लोप नहीं होता, साथ ही आत्मरक्षा भी तो परम धर्म है। मैं दुखिनी हूँ, आपके सामने रो रही हूँ। यदि आप मेरी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगी। मेरी प्राण रक्षा करने से आपका धर्म लोप नहीं होगा, आत्मरक्षा का पुण्य ही होगा। आप मुझे प्राण दान देकर धर्म उपार्जन कीजिए। अर्जुन ने ओलोपी की प्राण रक्षा को धर्म समझकर उसकी इच्छा पूर्ण की और रात भर वहीं रहे। दूसरे दिन वे वहां से निकलकर हरिद्वार में आ गए। चलते समय नाग कन्या ओलोपी ने अर्जुन को वर दिया कि किसी भी जलचर प्राणी से आपको भय नहीं होगा, सब जलचर आपके अधीन रहेंगे। अर्जुन ने वहां की सब घटना ब्राह्मणों से कही। तदनंतर वे हिमालय की तराई में चले गए। अगस्त्य वट, वशिष्ठ पर्वत, भृगु तुंग आदि पुण्य तीर्थों में स्नान करते, ऋषियों के दर्शन करते विचरण करने लगे। उन्होंने बहुत सी गौ दान की तथा अंग, वंग और कलिंग आदि देशों के तीर्थों के दर्शन किए। जो कुछ ब्राह्मण अर्जुन के साथ रह गए थे वे भी कलिंग देश की सीमा से उनकी अनुमति लेकर लौट पड़े। अर्जुन महेंद्र पर्वत पर होकर समुद्र के किनारे चलते चलते मणिपुर पहुँचे। वहाँ के राजा चित्रवाहन बड़े धर्मात्मा थे। उनकी सर्वांग सुंदरी कन्या का नाम चित्रांगदा था। एक दिन अर्जुन की दृष्टि उस पर पड़ गई। उन्होंने समझ लिया कि यह यहाँ की राजकुमारी है और राजा चित्रवाहन के पास जाकर कहा, राजन मैं कुलीन क्षत्रिय हूँ, आप मुझसे अपनी कन्या का विवाह कर दीजिए। चित्रवाहन के पूछने पर अर्जुन ने बतलाया कि मैं पांडव पुत्र अर्जुन हूँ। चित्रवाहन ने कहा कि वीरवर मेरे पूर्वजों में प्रभंजन नाम के एक राजा हो गए हैं। उन्होंने संतान न होने पर उग्र तपस्या करके देवादिदेव महादेव को प्रसन्न किया। उन्होंने वर दिया कि तुम्हारे वंश में सबकी एक एक संतान होती जाएगी। वीर तब से हमारे वंश में वैसा ही होता आया है, मेरी यह एक ही कन्या है, इसे मैं पुत्री समझता हूँ। इसका मैं पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह करूंगा, जिससे इसका पुत्र मेरा दत्तक पुत्र हो जाए और मेरा वंश प्रवर्तक बने। अर्जुन ने राजा की शर्त मान ली, विधि पूर्वक विवाह हुआ। पुत्र होने पर अर्जुन राजा से अनुमति लेकर फिर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। वीरवर अर्जुन वहाँ से चलकर समुद्र के किनारे किनारे अगस्त्य तीर्थ, सौबद तीर्थ, पोलोम तीर्थ, कारंधम तीर्थ और भारद्वाज तीर्थ में गए। उन तीर्थों के पास के ऋषि मुनि उनमें स्नान नहीं करते थे। अर्जुन के पूछने पर मालूम हुआ कि उनमें बड़े बड़े ग्राह यानी मगरमच्छ रहते हैं, जो ऋषियों को निगल जाते हैं। तपस्वियों के रोकने पर भी अर्जुन ने सौबद तीर्थ में जाकर स्नान किया। जब वहां मगर ने अर्जुन का पैर पकड़ा तब भी उसे उठाकर ऊपर ले आए, परंतु उस समय ये बड़ी विचित्र घटना घटी कि वो मगरमच्छ तत्क्षण एक सुंदरी अप्सरा के रूप में परिणत हो गया। अर्जुन के पूछने पर अप्सरा ने बतलाया कि मैं कुबेर की प्रियसी वरदा नाम की अप्सरा हूँ। एक बार मैं अपनी चार सखियों के साथ कुबेर जी के पास जा रही थी। रास्ते में एक तपस्वी के तप में हम लोगों ने विघ्न डालना चाहा। तपस्वी के चित में काम का तो उदय नहीं हुआ, परंतु उन्होंने क्रोध वश शाप दे दिया कि तुम पांचों मदर होकर 100 वर्ष तक पानी में रहो। देवर्षि नारद से यह जानकर कि पांडव अर्जुन यहाँ आकर थोड़े ही दिनों में हम लोगों का उद्धार कर देंगे, हम लोग इन तीर्थों में मदर होकर रह रही हैं। आपने मेरा तो उद्धार कर दिया, अब मेरी चार सखियों का भी उद्धार कर दीजिए। ओलोपी के वरदान के कारण अर्जुन को जलचरों से कोई भय तो था ही नहीं। उन्होंने सब अप्सराओं का उद्धार भी कर दिया और उनके प्रयत्न से वहाँ के सब तीर्थ बाधाहीन भी हो गए। वहाँ से लौटकर अर्जुन फिर एक बार मणिपुर गए। चित्रांगदा के गर्भ से जो पुत्र हुआ उसका नाम बब्रुवाहन रखा गया।
अर्जुन ने राजा चित्रवाहन से कहा कि आप इस लड़की को ले लीजिए जिससे इसकी शर्त पूरी हो जाए। उन्होंने चित्रांगदा को भी बबरू वाहन के पालन पोषण के लिए वहाँ रहने की आवश्यकता बतलाई और उसे राजसोई यज्ञ में अपने पिता के साथ इंद्रप्रस्थ आने के लिए कहकर फिर तीर्थ यात्रा के लिए गोकर्ण क्षेत्र गए। दक्षिणी समुद्र के उत्तर तटवर्ती तीर्थों की यात्रा करके अर्जुन पश्चिमी समुद्र के तटवर्ती तीर्थों की यात्रा करने लगे। जब वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, तब भगवान श्री कृष्ण को वहां उनके आने का समाचार मिला और उन्होंने उसी समय अपने परम मित्र अर्जुन से मिलने के लिए प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। नर और नारायण के मिलन से आनंद की बाढ़ आ गई। दोनों परस्पर गले मिले। कुशल मंगल, तीर्थ यात्रा और उसके कारण के संबंध में विस्तार से बातचीत हुई। कुछ समय के बाद दोनों मित्र रेवतक पर्वत पर जाकर रहने लगे। वहाँ श्री कृष्ण के सेवकों ने पहले से ही सब प्रकार की सजावट एवं खाने पीने, सोने, घूमने की सुविधा कर रखी थी। वहाँ भगवान श्री कृष्ण की ओर से अर्जुन का राजोचित सम्मान और तरह तरह से मनोरंजन किया गया। रात को सोने के समय अर्जुन अपनी यात्रा की बातें सुनाते रहे। वहाँ से रथ पर सवार होकर दोनों मित्र द्वारका गए। अर्जुन के सम्मान के लिए द्वारकापुरी के उपवन, महल, सड़कें सब सजा दिए गए थे। यदुवंशियों ने बड़े उत्साह के साथ अर्जुन का स्वागत सत्कार किया और अपनी स्थिति, पद और योग्यता के अनुसार उनका अभिनंदन किया। द्वारकापुरी में वे भगवान श्री कृष्ण के निज मंदिर में ही ठहरे और दोनों अनेक रात्रियों में एक साथ ही सोए। महापुराण महाभारत में आगे की कहानी अगली वीडियो में। चैनल पर बने रहिए क्योंकि ये कथा और भी रोचक और ज्ञानप्रद होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।